हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो चैनल पे आ चुकी है जाके आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर हमने निफ्टी का कल के लिए स्पेकुलेशन या फिर कह सकते हैं प्रोडिक्शन uh, करते हुए हम नजर आए हैं तो देखिए देखिए मार्केट में बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आते हैं ओके okay, और हर एक एक आप जो भी कम प्राइस का होता होता है है वो एक तरीके से पेनी स्टॉक ही बट डिपेंड ऑन मार्केट कैपिटल तो हम पेनी पह, स्टॉक से रिलेटेड बातें करते रहते हैं और जानते रहते हैं बट याद रखिए पेनी स्टॉक का मतलब किसी भी स्टॉक में आंक बंद करके पैसा लगाना नहीं होता कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है अगर वो उसके बेसिस पे आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे पेनी स्टॉक्स आपको बहुत सारे अच्छे रिटर्न पर दे ला सकते हैं फ्यूचर में तो ऐसे ही पेनी स्टॉक्स बहुत सारे आपको यहां पर दिए गए हैं अगर हम बात करें अडानी पावर की तीस रुपए पे यहाँ पर दिया था हम बात करें यहाँ पर काफी सारे स्टॉक यहाँ पर ट्राइडेंट की बात करें छे रुपए पे यहाँ पर आपको दिलाया था तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिलाए अब बात करते हैं हम एक पेनी स्टॉक्स की जहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है और अच्छे खासे लेने अभी लोअर सर्किट लग गया आज मैंने यहाँ पर किया और लेने के बाद वो अपर सर्किट में था फिर लोअर सर्किट में आया तो यहाँ पर अपर सर्किट लोअर सर्किट का ही गेम चलेगा इस चीज को भी याद रखिएगा बट वो शेयर इतना टूटा है इतना टूटा है कि अगर आप यहाँ पर एकमलेट करते हैं तो अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर जो फंडामेंटल बता रहे हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं अगर मार्केट में हम स्टॉक मार्केट के गेम में तो यहाँ पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा बट बिफोर दैट हम स्टॉक्स के बारे में जाने

मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो ये शेयर 2018-19 में आया था और उसके बाद इसने सौ रुपए का लगभग निन्यानवे का हाई बनाया था और इसके बाद से लगातार तीन रुपए पे ये शेयर आ गया है याद रखिए कितने रुपए पे तीन पे इस शेयर आ गया है। क्या इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने रखूंगा ओके okay, और उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके कंपनी करती क्या है देखिए कंपनी यहाँ पर अगर हम देखें बिजनेस uh, में है कौन से ट्रेडिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ट्रेडिंग uh, के बिजनेस में यहाँ पर दिखाई देता है मतलब किसी से खरीद के किसी को बेचता होगा या फिर जो भी करता होगा मतलब टेली के यहाँ पर uh, उस बिजनेस में यहाँ पर दिखाई देता है इनकी वेबसाइट यहाँ पर है नहीं ओके okay, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ लोअर सर्किट में शेयर चल रहा है और लगातार इसमें क्या लग रहे है लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे है बट स्टिल मैंने यहाँ पर आज इसे खरीदा है क्यों खरीदा है उसके पीछे का रीजन है मार्केट कैप की बात करूं 22 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है 22 करोड़ रुपए मार्केट कैप का मतलब क्या है 22 करोड़ रुपए मार्केट कैप का है कि एसएमई स्टॉक है और बहुत छोटा स्टॉक है कल को ये पैसे आपके जीरो भी हो सकते हैं और चाहे तो ये ही तीन रुपए का स्टॉक्स कल तीन सौ रुपए हो सकता है इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा और ऑपरेटर ऐसे स्टॉक्स को बहुत भगाते हैं ये भी आपको यहाँ पर माइंड में रखना पड़ेगा पीई की बात करूं बाईस के पीई पे चल रहे इंडस्ट्री का पी सैतीस का है तो कहीं ना कहीं सस्ता शेयर है आर ओ सी आर ओई की बात करूँ फोर्टीन और टेन परसेंट का है डेट फ्री शेयर है कोई सी प्रकार का यहाँ पर कोई भी डेट नहीं है और सोलह रुपए से शेयर यहाँ पर करेक्ट हो गए एक साल के अंदर अंदर बात करूँ तो

ओके okay, स्टिल यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करता हुआ तो होगा जिसकी वजह से अदर इनकम यहाँ पर आती है तो इसी वजह से या तो प्रॉफिट या फिर नुकसान यहाँ पर दे रखा है बट इस बार कंपनी ने यहाँ पर देखेंगे तो दस करोड़ आ, दस करोड़ लाख का पर क्या करी है? करी है है कंपनी ने सेल्स रिवेन्यू किया है इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कंपनी का इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जो की दिखाई नहीं रखा था अभी की बात टेन पॉइंट वन एट परसेंट का है नेट प्रॉफिट की बात करे अट्ठासी लाख का इनका नेट प्रॉफिट होता है वो दिखाई दिया है ये क्या है ये सारे ये है पॉजिटिव फैक्टर इसके अलावा यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पर स्टार्टिंग में 2013, 14, 15, 16, 17 में ये कंपनी काम करती थी ओके उसके बाद 18, 19, 20, 21 में कोई काम नहीं है इसके बाद यहाँ पर बात करें 22 में दोबारा इस कंपनी ने काम करना शुरू किया है और अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग निन्यानवे लाख या फिर कह सकते हैं करोड़ के आसपास यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है तो यहाँ पर जाके एक बार इनकी यहाँ पर इनके रिजल्ट को देख लीजिएगा तो आपको और थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है क्या नहीं करती है और किस तरीके से यहाँ पर इनका बिजनेस आता हुआ दिखाई देता है अब बात करते हैं बैलेंस शीट की रिजर्व्स कंपनी के पास है करोड़ लगातार बढ़ रहे मतलब सात लाख का रिजर्व सैतीस करोड़ का चार करोड़ सैंतीस लाख का हो गया है बोरिंग की बात करें किसी तरीके की बोरिंग नहीं ये पॉजिटिव पॉइंट है इसके अलावा यहाँ पर बात करें कंपनी का इन्वेस्टमेंट तीन करोड़ बयालीस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें कंपनी के पास यहाँ पर लगभग साठ लाख का यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो देखिए इतनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स यही है कंपनी क्या काम करती है यहाँ पर अभी पता नहीं चलिया जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर देखा यहाँ पर ये यह कंपनी बस यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर टेलीकोम्युनिकेशन के बिजनेस में है और जो अभी यहाँ पर रिजल्ट के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर आता है वो नहीं दिखाई दिया एक साथ यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया है तो यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर आप देखिए प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए 3.49 परसेंट की है ओके जिसका दीप्ता ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब नाम से है इसके अलावा पब्लिक की बात करें

देखिए शेयर अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे ये चार्ट पैटर्न है जो आपके सामने है, देखेंगे तो शेयर लगातार यहाँ पर नब्बे रुपए से ओके करेक्ट होते हुए यहाँ पर शायद बोनस दिया तो यहाँ पर दिखा रहा है तो लगातार यहाँ पर करेक्ट होके लगभग तीन रुपए पर शेयर नीचे आ गया ओके okay. और तीन रुपए पर यह शेयर आ चुका है तो यहाँ पर कि हमारे डेटा के हिसाब से, तो 2019 के से भी मैं देखूं, तो इन्होंने जो ये शेयर ले रखा है ऊपर के भाव से ले रखा है नुपये के भाव से ले रखा है ना कि इन्होंने शेयर ले रखा है तीन के हिसाब से तो अगर इन्हें भी जब निकलना होगा तो ये कहीं ना कहीं ये लॉस में तो बेचेंगे नहीं ओके okay, अगर किसी यहाँ पर 22 करोड़ रुपए की टोटल कंपनी है अगर किसी ने 5 परसेंट के भी शेयर ले रखे हैं तो कितने कितने के शेयर हुए आप खुद यहाँ पर अंदाजा लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव आ, यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बट पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है और ये नेगेटिव में यहाँ पर लॉस में यहाँ पर नहीं बेचने वाले शेयर चाहे यहाँ पर ऑपरेटर के थ्रू ड्रिवन किया जाए या किसी के भी थ्रू ड्रिवन किया जाए जब ये शेयर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर शेयर उस टाइम यहाँ पर हम निकल सकते हैं और शेयर इन्होंने कितने लगभग नब्बे जो ये बड़े बड़े लोग है, नब्बे के से पर शेयर खरीद हैं नब्बे रुपए के हिसाब से हिसाब तो तो से जो कि रिस्क फ्री रिस्क समझ सकते हैं कि हमने एक तरीके का यहाँ पर इस वाले शेयर में सट्टा खेल लिया तो वो यहाँ पर आप समझ के अगर पैसा लगा देते हैं तो अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में बन सकते हैं और कंपनी यहाँ पर कुछ और भी दिखा रही है कंपनी अब यहाँ पर काम कर रही है तो शायद अच्छा खासा यहाँ पर ये भी हो सकता हुआ दिखाई दे सकता है तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा यहाँ पर पैसा ओवरऑल बन सकता है अब यहाँ पर चार्ट पे बात करते हैं लगातार गिरावट है लगा ओके okay, गिरावट की बात करें तो देखिए यहां पर लोअर सर्किट अपर सर्किट या कोई भी वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहे थे बट अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का एक्मुलेशन होता हुआ नजर आया है और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर बनते हुए नजर आए यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे वॉल्यूम है और आज की डेट में ये शेयर दोबारा अपर सर्किट लगाया चार रुपए चौबीस पैसे का और इसके बाद नीचे आया तीन रुपए चौरासी पैसे का यहाँ पर दोबारा सेलिंग आती हुई दिखाई दी अब यहाँ पर ये शेयर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है अगर नीचे आता है तो मैं इसे बाय ऑन डिप्स और करूंगा क्यों करूंगा क्योंकि याँ पर याँ पर देखिए कैंडल बना रहा रहा है अभी तक क्या हो रहा था कि अपर सर्किट सर्किट लोअर में तो ये शेयर चल रहा था बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने आज अपर सर्किट मारा फिर नीचे आया और इसने एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है इस तरीके की जब इन्वर्टेड हैमर बनता है ना तो वैसे तो ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले शेयर में काम नहीं करता बट स्टिल यहाँ पर अगर काम कर जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर काफी बार काम किया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इसने हैमर बनाया तेजी हुई ओके okay, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक इसने ड्रैगन फ्लाई बनाया वो पर तेजी हुई ड्रैगन फ्लाई बनाया हैमर बनाया यहां तेजी हुई जब इस तरीके का इसमें हो रहा है तो यहां पर बार बार यहाँ पर क्या हो रहा है तेजी होती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर अगर नीचे आता है तो डिप्स एज एज वेल पर जो वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे वो वॉल्यूम काफी अच्छे यहां पर दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं बट बाई ऑन सेलिंग की कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइन शेयर वाइजर खुद की स्टडी करें और यहाँ पर थोड़ा सा